कहीं निकलने कोशिश करता तो मेरे यार दोस्त बोलते हैं यार तेरे से ना हो पाएगा हमारा, ओके आई विल प्रूव यू। पेडलिंग टुवर्ड्स हेवन, मैंने नाम बहुत सही रखा सोच समझ के। यहाँ खड़े होके सिग्नल आ गया भाई जी, बाय बाय। टफ मैन, इट्स वेरी टफ साइकिलिंग करना पहाड़ों पे एंड ऊपर से हाई अलर्ट है। मैंने इतना एक्सपेक्टेड नहीं करा था कि इतनी सिचुएशन टफ हो जाएगी हमारी। तो देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। पेडलिंग टुवर्ड्स हेवन का 5th एपिसोड ये रहा आपके सामने, और मेरे जो होटल रूम से व्यू आता है वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ बादल और बादल के पीछे पहाड़, और यहाँ हरा भरा खेत, और बढ़िया सा सुंदर सा गांव। कितना ही सुंदर लग रहा है यार। और एक रूम हमारा वहाँ था और एक रूम नीचे की तरफ, तो वो भी जाके दिखाऊंगा। नीचे मैं इसलिए नहीं सोया क्योंकि बाकी जो दो जने हैं उन्होंने कपड़े धोए। कपड़े मैंने भी धोए थे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। और कपड़े हमने ना टांग रखे थे, और उसके चक्कर से पंखा चलाना पड़ रहा था कि कपड़े सूख जाएं। तो मैं नहीं चाहता था कि भैया मैं गर्म सर्द में सोऊं, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा था कि मैं एक छोटे से कमरे में सो जाता हूं, जो कि उतना ही बड़ा, मैं कोई एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा। बट यहां से जो व्यू दिखता है ना बॉस, दैट्स टोटली अमेजिंग। इसी चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा वेट था, इतना प्यारा व्यू। और फाइनली वी आर हेयर, और यहाँ पे हमारी साइकिल्स पार्कड हैं। सो बारिश हो रही है अभी, थोड़ा वेट करेंगे, जब बारिश कम हो जाएगी फिर हम पैक करके अपना सामान निकलेंगे। सो अभी देखते हैं क्या आइटनरी बनानी है, क्योंकि मेरे पैर में भी बहुत चोट लगी हुई है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया। तो लेट्स सी क्या होता है यार, मैं बहुत डाइसी चल रहा हूँ कि क्या करूँ, आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। बिकॉज अगर पैर में सूजन ज़्यादा बढ़ गई तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। तो भाई लोग आ गए, इनसे पूछे जरा इन्हें कैसी नींद आई पंखे के नीचे, बताओ भाई। बहुत मस्त भाई, मैं कंबल ओढ़ के पूरा सो गया था मुंह ढक के, पता ही नहीं चला ठंड। हाँ जी, तुम्हें कैसी नींद आई? मैंने तो बस एक गाना चलाया और पूरी रात मेरा फोन अपने आप ही चलता रहा, 2 मिनट में सो गया मैं तो। यहाँ मैं बिना पंखे के सो रहा था, एकदम मस्त रजाई डाल के। मैंने पहले बोला था भैया मैं तो साइड में जाके सोऊंगा, मुझे नहीं सोना पंखे ही नीचे, गर्म सर्द वैसे हो जाएगा। तो डाटा ट्रांसफर जल्दी जल्दी हो जाए फिर निकलेंगे। और यहाँ मेरी चोट भी सूख चुकी है, अब यार इसके ऊपर पन्नी चढ़ाएंगे, फिर सॉक्स पहनेंगे, तब जूते पहनेंगे, बस आगे दिक्कत ना हो इसमें कुछ, और बाकी तो झेल लेंगे हम। सॉक्स तो सूख गई, सॉक्स जो तेरी वूलन वाली थी ना, हाँ वो पहनी है, वो सूख चुकी है। चलो बढ़िया, एक अच्छी न्यूज़ दी है अभी तक। वही वहाँ देखो सक्षम भाई बच्चों को साइकिल चलाने दे रहे हैं, जिसके हाइट भी नहीं आ रही थी। जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ही आया भाई, इसने बोला कि 2 मिनट साइकिल चलाने दो। लेकिन गद्दी बहुत ऊपर थी भाई की, छाती पे आ रही थी। हाँ छोटू कैसा लगा? मस्ता चलो भाई की तसल्ली पूरी होगी, वो बड़ी बात है। और अब यहाँ पे हमें अपना सामान डालना है जो कि यहाँ फैल रखा है, सो पैक करके निकलते हैं चोपता की ओर। सीरीज़ का जो मैंने नाम रखा हुआ है पेडलिंग टुवर्ड्स हेवन, हेवन आपको पता है क्या है? मेरे लिए तो हेवन ये है यार, कितना ही सुंदर लग रहा है यार, पीछे के पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बादल, और यहाँ पे हो रही स्टेप फार्मिंग जो कितनी सुंदर लग रही है। सूर्य देवता भी आ रखे थे और कुछ कुछ टाइम में चले गए हैं, लेकिन जो धूप पड़ी है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। और उमेश भाई ने लिया मेरी बेहतरीन सी फ़ोटो, तो आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो डू फॉलो मी देयर। और सबकी आईडी का लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगा यार, क्योंकि हमारे साथ जो राइड कर रहे हैं हमारा फर्स्ट बनता है कि वो हमारी फ़ोटो क्लिक करें, तो हम भी उनका डिस्क्रिप्शन में आईडी डाल दें। बट जो यहाँ का व्यू है ना, इतना ही सुंदर, इतना सुंदर। पेडलिंग टुवर्ड्स हेवन, मैंने नाम बहुत सही रखा सोच समझ के। और यहाँ पे ना कुछ कुछ झरने भी बह रहे हैं जो कि सीधे वहाँ नीचे जाके नदी में मिल रहे हैं। तो हर एक जगह चले जाओ उत्तराखंड में, तो हर एक जगह ही सुंदर है। आगे देख रहे हो एक छोटा सा वाटरफॉल है, और यहाँ पे भी है। ऐसे आपको कई सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे अपना पानी भर सकते हो। और पानी से ज़्यादा मैंने अपनी बॉटल केदारनाथ में छोड़ दी है, एंड एक थम्स अप लेके घूम रहा हूँ। तो एक ये बुरी न्यूज़ है, बट मेरा तो एक बॉटल था, लेकिन उमेश भाई का गॉगल्स, उनके स्लीपर्स एंड उनका एक ट्राइपॉड
सब छूट गया, काफ़ी नुकसान हो गया यार उनका। मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए यार, क्योंकि मुझे पता है ट्राइपॉड्स कितने महंगे आते हैं। महंगे की बात नहीं है, ट्राइपॉड एक अच्छा ट्राइपॉड ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ से व्यू है ना यार, वो कितना सुंदर है। कभी कभी मन करता ना यहीं बस जाऊँ, शहर की तरफ जाऊँ ना यार, शहर में बहुत खिचपिच है। यहाँ देखो कितनी शांति है यार, और सामने झरनों की आवाज़। जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो जन्नत में रहते हैं भाई, बाय गॉड मैन। इसी के लिए आया था मैं, पेडलिंग टूवर्ड्स हेवन, यही है यार हेवन, यही है। जब राइड कर रहे थे हमें पहले दो साइकिलिस्ट और मिले थे, एंड अभी हमें एक और साइकिलिस्ट मिले जो कि लुधियाना से हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविदत्त पांडे। ओके, और कहाँ जा रहे हो अभी? मैं सर अभी जा रहा हूँ केदारनाथ। केदारनाथ जी, क्या बात है। पहले मैं भी लुधियाना रहता था तो मैं इनसे कनेक्ट कर पाया अच्छे से। तो अभी भाई केदारनाथ जा रहे हैं, और उसके बाद कोई प्लान है आपका? नहीं सर, सीधा घर बच्चों के पास। नहीं अच्छा, अब हो गया सर, क्या इस बार बात है? हो गया। तो सर मैरिड है, एंड ये सेफ सॉइल के लिए उसके ऊपर राइड कर रहे हैं, एंड सेफ फ्यूल के ऊपर, सॉरी। तो अगर आपको कहीं भी ऐसे साइकिलिस्ट दिखते रहते तो प्लीज सपोर्ट जरूर करा करो, क्योंकि सपोर्ट एक साइकिलिस्ट के लिए बहुत बड़ी उम्मीद जगा देता है। एंड अब हम जाएंगे आगे तरफ, तो खाना खाएंगे, उससे पहले सर से अलविदा लेंगे, तो फिर आगे चलते हैं। ओके ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर बड़ी, टेक केयर, ओके। ये मतलब मालूम है, जब मैं कहीं निकलने की कोशिश करता हूँ तो मेरे यार दोस्त बोलते हैं यार तेरे से ना हो पाएगा, मतलब ओके आई विल प्रूव यू। मैं बोला केदारनाथ मत्था टेकने जाऊँगा, बोले नहीं होगा। बहुत लोग करते हैं डीमोटिवेट, कुछ ही हैं जो मोटिवेट कर पाते हैं। सर आप देख रहे हो सर, ये आप टी शर्ट देख रहे हो, हेलमेट देख रहे हो, ये सारे उन लोगों की बेस्ट विशेस पड़ी हुई हैं। ओके, अगर माता जी भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा ना, उनकी सारी बेस्ट विशेस। दूर से आ रहे हो सर? देहरादून से। अरे वाह, ये लुधियाने से। चलो हम आगे मिलते हैं, मुझे आके ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि भूख बहुत लगी है, रास्ता बहुत लंबा है। आगे मिलते हैं, बाय बाय। भाई वहाँ देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन यहाँ से अभी जस्ट लैंडस्लाइड हुई है, और ये पत्थर देख रहे हो, ये कैमरा खुलने से पहले गए हैं। उत्तराखंड में हाई अलर्ट हो रखा है, और मुझे पता नहीं मैं अभी राइड कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि पैरों में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जस्ट नाउ लैंडस्लाइड हुई है, और वहाँ देख रहे हो वो जो पानी गिर रहा है, वहाँ से भी थोड़े थोड़े पत्थर गिर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। 70% ही मूड है कि वापस चलते हैं, हो चुका है राइड, बाद में भी कर लूँगा जिंदा रहा तो। जिंदा भी क्या मतलब, हालत ठीक रही तो मेरी, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है मेरी। जो पीछे आप रास्ता देख रहे हो ये चोपटा के लिए जाएगा, एंड चोपटा के लिए हम लिफ्ट लेंगे, क्योंकि बीच में जंगल का रूट है एंड आसपास ऐसी कोई शॉप अवेलेबल नहीं है, तो हम लिफ्ट लेके जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। वहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, पुलिस वाले उधर उस साइड हैं, मना कर रहे हैं कि आगे मत जाओ, और अभी हम जस्ट होकर आए हैं, 5 मिनट पहले यहाँ से निकले हम। ये दो विकेट देख रहे हो, इस ट्रैकर पे अपनी साइकिलें बांधेंगे, क्योंकि यहाँ से अपील बहुत है एंड प्लस जंगली जानवरों का डर बहुत है, तो साइकिल को अनलोड करते हैं और इस ट्रैकर में डालते हैं, और साइकिलें ऊपर बांधेंगे, सामान है पीछे डिक्की में रखेंगे। तो 250 रुपीज़ दे रहे हैं तीनों का ऊपर पहुँचाने के लिए। मुझे लग रहा है डिसीजन ये तो सही था, बट पैरों के उस पर समझ नहीं आ रहा कुछ यार। पॉइंट ये चल रहा है कि मैं इतना दूर आ रखा हूँ, तो क्या करूँ मैं भाई। टफ मैन, इट्स वेरी टफ साइकिलिंग करना पहाड़ों पे, एंड ऊपर से हाई अलर्ट है, बहुत टफ हो रखा है, बहुत ज़्यादा यार। मैंने इतना एक्सपेक्टेड नहीं करा था कि इतनी सिचुएशन टफ हो जाएगी हमारी। कुछ सोचते हैं फिर आगे चलते हैं, ऊखीमठ तो पहुँचते हैं फिलहाल।
का नाम है यश, जो कि हमें ले जा रहे हैं चोपटा की ओर, और एक साथी हमारा कम दिख रहा होगा जो कि चला गया अब देहरादून, उनको कुछ काम पड़ गया था। तो अब हम निकलेंगे चोपटा की ओर और कुछ टाइम में पहुंच जाएंगे। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हो। तो भाई जी कितना टाइम लग जाएगा पहुँचने में? एक घंटा। चलो साइकिल के मज़े तो ले लिए, अब हम ट्रैकर के मज़े लेंगे। चोपटा बहुत सुंदर जगह बोलते हैं ना भाई जी, मिनी स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पहुँचने वाले फिर थोड़ी देर में। बट उससे पहले आप शॉर्ट्स एंजॉय करो। वो है चोपटा, वो देखो वहाँ पे आपको एक चोटी दिख रही होगी, तो वो है चोपटा। इतना पड़ेगा वहाँ पे रूम, एक बढ़िया सस्ता सा, क्योंकि हमारा इतना बजट भी रहता नहीं है। साइकिल वैसे ही घूम रहे हैं हम, पेडलिंग टुवर्ड्स हेवन में, ऐसे ही होता है। आपकी गाड़ी में सो जा रहा आपको। तो भाई ये है चोपटा और यहाँ हमने लिया है एक रूम, डबल बेड है, एंड यहाँ पे अंदर है पूजा, यहाँ अंदर है वॉशरूम। अभी हम जा रहे हैं आगे कुछ शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग क्या होने वाली है नीचे देखो, मैंने सिर्फ शॉर्ट्स में हूँ। और यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? 7-8 8 के अराउंड होगा, 7-8 डिग्री टेम्परेचर में। यहाँ देखो शॉर्ट्स में चल रहा हूँ मैं, तो बेवकूफ़ी है वैसे तो, लेकिन मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, देखते हैं कितना महंगा पड़ता है। और पॉइंट ये है, एक मुसीबत एक और है, यहाँ नेटवर्क्स नहीं आते और हमारे पास सिर्फ गूगल पे है, कैश बिल्कुल भी नहीं पड़ा। ये है रास्ता जो ट्रैक के लिए जाता है ऊपर, और यहीं पे भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कपड़े की दुकान है, देखते हैं कितने रेट पे हमें लोअर मिलता है। अगर ज़्यादा महंगा मिलेगा लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो बेसिक नीड है, वरना हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे लोअर फाइनल करा मैंने, थोड़ा रेट कम कर लो भैया, यहाँ रेट की परेशानी। मुझे पजामा कितने का दिया बोलो ना? 400 रुपये। नाम क्या है तुम्हारा? मोहित ठाकुर। यहीं के रहने वाले हो? सस्ता नहीं करोगे भाई जी? सस्ता कैसा हो जाएगा, यहाँ पर टैक्स लगता ना, टैक्स लगता ना ऊपर चढ़ने का। ये बताओ लाइट कितने बजे आएगी? 7 बजे। 7 बजे? और कितने बजे तक? 6 बजे तक सुबह के। चलो 11 घंटे की तो आएगी। भाई जी ने कैमरा मोड़ दिया, तो ये लोअर अभी फाइनल करा है 400 रुपये में ना। मुस्कुरा दो एक बार, चलो अच्छा यार, कातिलाना स्माइल। सिग्नल आएंगे यहाँ खड़े होके? सिग्नल आएंगे भाई जी, अरे क्या बात है यार। देखो भाई जी मन फोन खुद आ रहे हैं, एयरटेल के भी आ रहे हैं, उसके भी आ रहे हैं, पूरे अध्यालते यहाँ खड़े होके पूरे सिग्नल आ रहे हैं, पूरा बाजार छोड़कर यहाँ सिग्नल मिले हमें गूगल पे कराने के लिए। हो गए जी, फाइनली हो गए। कितने? ठीक है, अभी फिलहाल हम घूम रहे हैं चोपटा की सड़क पर, और जो मेरे सामने का नज़ारा है ना, वो सच्ची में जन्नत है, सच में। एक बार ये देखो यार, ये देखो, GoPro में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है, बट जो मेरी आंखें कैप्चर कर रही है ना इस टाइम पे, आंखें जो मेरी कैप्चर कर रही हैं और जो मेरी फीलिंग है वो इतनी हाई है ना अभी, इतनी हाई मैं बता भी नहीं सकता यार, क्या व्यू है यहाँ से, क्या ही व्यू है, एकदम पीक गांव में हूँ मैं, जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते हैं। एक पॉइंट पकड़ा था हमने वहाँ पर जहाँ हमने देखा, और वहाँ से मैंने अपने घर वालों को मैसेज करा कि मैं सेफली पहुँच चुका हूँ, मेरी चिंता मत करना, एंड मैंने रूम ले लिया है। मैं व्यू पॉइंट के सामने खड़ा हूँ, यहाँ से व्यू देखो यार, वहाँ पे सनसेट हो रहा है, एंड लुक एट दिस, इट्स हेवन। भाई ऐसे ऐसे पैसे खत्म होंगे तो क्या होगा हमारा, हम तो 500 रुपये पर डे चल रहे थे, यहाँ तो 1000 भी पार हो गया। चोपटा
तो हमने 1000 रुपये दिए हैं आज स्टे करने के लिए, सब खाना वगैरह मिला के। एंड आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। बहुत ठंडा लग रहा है आज, बहुत ज़्यादा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो देखने पसंद आ रही होगी। और ये पेडलिंग टूवर्ड्स हेवन का 5th एपिसोड है, सो लाइक कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में मैं जाऊँगा तुंगनाथ मंदिर, और उसके बाद हम निकलेंगे चमोली के लिए। तो वो देखने के लिए जुड़े रहिएगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़। वर एडियस एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाई विद मेमरीज बट नॉट विद ड्रीम्स। अगला वीडियो ज़रूर देखना। बूम। ब्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि वो जंगल का एरिया है, और जंगल में हमें जल्दी जल्दी खींचना है। अभी आके हॉर्न मारेगा, मार दे। आप नहीं मारेगा साले। अभी यहाँ पे हमें एक दोस्त मिला है और अंकल जी मिले हैं। अब हम जो अपनी यात्रा कर रहे थे, हमें बताया गया कि अंकल ने हमें बताया कि आप ना टीवी पे आ रहे थे। तो अंकल जी सही बात है ये? हाँ सही बात है। कब दिखा रहे थे टीवी पे? कल परसों शाम को, करीबन 13 तारीख को। 13 तारीख को? 13 तारीख को जब हम केदारनाथ में थे। देखो अंकल सही बोलो, बहुत लोग देख रहे हैं आपको। बुजुर्ग आदमी हूँ मैं, झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ क्या बात है अंकल, आपको दिल खुश कर दिया आपने मेरा।